बस कुछ लोग आए, और कुछ लोग जब आए मेरे पास तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है। हमारा काम कारोबार, हमारे रोजी रोजगार पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो है वो रोजी रोजगार जो है वो बड़ा परेशान हो गए हैं। एक नोट लिया हो उसने, और एक नोट वो 100 का हो सकता है, वो 500 का हो सकता है, वो 1000 का हो सकता है। हमारे पैसे कट जाते हैं, हमारे पैसे गल जाते हैं, रखे रखे पैसे गुम हो जाते हैं, रखे रखे पैसे मिलते नहीं हैं। वहीं पर उन्होंने वो नोट डाल दिया, और जब वो नोट डाला तो उसके बाद वो हुआ ये कि दिन ब दिन जी। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक ऐसे जादू के बारे में जो पैसों पर किया जाता है, और ये जादू जो है आपने कहीं पर शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आज आप जरूर इसके बारे में जान जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, और फिर आप यकीनन मोहतात भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सिलसिलावार आने वाली वीडियोस बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स बगैर देर किए शुरू करते हैं, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आज का टॉपिक है पैसों पर किए जाने वाला जादू। ये जादू जो है ये पैसों पर किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, एक कहानी बताता हूं जो जो मेरे तजर्बे में गुजरी और क्या हुआ, तो आपको फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये पैसों पर जादू होता है और किस तरीके से काम करता है। मेरे पास कुछ लोग आए, और कुछ लोग जब आए मेरे पास तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है। हमारा काम कारोबार, हमारे रोजी रोजगार पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो है वो रोजी रोजगार जो है वो बड़ा परेशान हो गए हैं हम, और उसके अंदर अब यहाँ तक ये हालत पहुंच चुकी है कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया है, और हम समझ में नहीं आती कि हम काम इतना करते हैं लेकिन हमारे पैसे गायब हो जाते हैं, हमारे पैसे जल जाते हैं, हमारे पैसे कट जाते हैं, हमारे पैसे गल जाते हैं, रखे रखे पैसे गुम हो जाते हैं, रखे रखे पैसे मिलते नहीं हैं, और जिस जगह पे रखे होते हैं पैसे वहां से मिलते ही नहीं है। बाद में दूसरी जगह से भी ढूंढते हैं लेकिन वहां पर भी कहीं पर पैसे हमें मिलते नहीं है, पूरा घर छान बैठते हैं लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते। तो जब उन्होंने ये कंप्लेन की, उन्होंने ये सारी बात बताई, तो फिर उसके बाद उनके लिए दुआ की गई, और जो दुआ की उनके लिए तो फिर मामलात खुले, और मामलात खुलने के बाद हुआ ये कि फिर मैंने उनसे ये कहा कि क्या आपने किसी को कुछ अपने पैसे दिए थे, किसी शख्स ने आपको पैसे आपसे लिए और फिर आपसे पैसे लेकर मुख्तसर वक्त के अंदर यानी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वापस कर दिए थे, क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? क्या आपसे एक नोट लिया हो उसने, और एक नोट वो 100 का हो सकता है, वो 500 का हो सकता है, वो 1000 का हो सकता है, वो एक नोट उसने लिया हो और एक नोट लेकर उसने वो ही नोट एग्जैक्टली वो ही नोट आपको वापस किया था? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, ऐसा हमारे साथ तकरीबन 3 या 4 महीने पहले हुआ है। 3-4 महीने पहले उन्होंने बताया कि जी एक शख्स था, उनके ही रिश्तेदार था वो, तो उसने क्या किया कि उससे कहा कि मुझे जो है वो भाई 100 रुपए का नोट चाहिए, मेरे पास 100 रुपए मुझे चाहिए, मैंने फलां जगह पर देना है, मेरे पास पूरे नहीं पड़ रहे पैसे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, 100 रुपए तो इजीली हर बंदा दे देता है, वो कोई भी ये सोचता नहीं है या ख्याल करता है कि यार मैं वापस लूंगा या मुझे मिलेगा या ये बंदा क्या करना चाह रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने 100 रुपया निकाला, 100 का नोट निकाला और उसको दे दिया। अब वो जब 100 का नोट निकाल कर दिया तो तकरीबन कोई 3 दिन के बाद उन्होंने बताया कि 3 दिन के बाद उस शख्स ने वैसा ही नोट, वही नोट, क्योंकि उनको पता था जब उन्होंने गौर किया इस बात पर के, और फिर उन्होंने वहां बैठे बैठे बात की, उन्होंने कहा कि मैंने भी उसे कड़क नोट दिया था और उसने भी मुझे कड़क नोट ही वापस किया था। याद रखें कि जो नोट आपसे लिया गया है उसी नोट के ऊपर पढ़ाई की जाती है, जो नोट आपसे लिया गया है उसी के ऊपर जादू किया जाता है, जो नोट आपसे लिया गया है वही जादूगर को दिया जाता है, और वही जादूगर उसके ऊपर पढ़ाई करके वो नोट आपको वापस देता है, और वो नोट जब वो वापस आपके पैसों में आकर मिलता है तो वो नोट जो है वो आपके सारे रोजी रोजगार पे, आपके पैसों पे
कब्जा करता है, जादू का असर करता है, और जादू का असर जब उतारे आपके तमाम नोटों के अंदर पैदा होता है, आपके रोजी रोजगार के अंदर पैदा होता है, आपके हर तरीके से हर चीज डैमेज होना शुरू हो जाती है, कारोबार तबाह होना शुरू हो जाता है। वही नोट जिसके ऊपर जादू किया जाता है, सेम टू सेम वही नोट वापस किया जाता है उस शख्स को। और जब वो नोट उनको वापस किया गया, जब वो नोट उन्होंने वापस रखा अपने उसी वॉलेट के अंदर जिसके अंदर वो डेली की कमाई अपनी रखते थे, जिसके अंदर वो डेली के जिस गल्ला के अंदर वो डालते थे, जहां पर पैसे उनके पड़े होते थे, वहीं पर उन्होंने वो नोट डाल दिया। और जब वो नोट डाला तो उसके बाद वो हुआ ये कि दिन ब दिन उनका ग्राफ सेल का गिरना शुरू हो गया, दिन ब दिन वो ग्राफ उनका गिरना शुरू हो गया, और दिन ब दिन वो कर्जे के अंदर बसना शुरू हो गए। पहले उनका सेटअप बहुत अच्छा था और आहिस्ता आहिस्ता वो सेटअप खराब होता गया। सेटअप खराब होने के बाद उनके ऊपर ये हुआ कि पहले वो कर्ज लोगों को दिया करते थे, लेकिन बाद में हुआ ये कि वो कर्ज उनके ऊपर कई लाखों रुपए का चढ़ गया। सिर्फ एक नोट ने, 100 के नोट ने ये काम किया। आज भी मेरे दोस्तों हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते और हम ये बात भूल जाते हैं कि हाँ हम तो एक छोटा सा नोट दे रहे हैं, शायद वो 50 रुपए का नोट हो, शायद वो 100 रुपए का नोट हो, और मांगते भी लोग छोटा नोट है ताकि अगला इंसान आसानी से दे सके और इसके दिल में या उसके जहन में ये बात भी ना आए कि मुझे वापस देगा या नहीं देगा। और बड़ी आसानी से 100-50 के नोट को लेकर उसके ऊपर जादू करवाया जाता है, और जादू करवाने के बाद वो वापसी वही नोट दिया जाता है, और वही नोट जब गले में या वॉलेट में वो शख्स रखता है तो उस नोट की वजह से वो सारा का सारा सिस्टम, उसका सारा का सारा रोजी रोजगार का सिस्टम बहाल हुआ हुआ जो हुआ होता है वो बदहाली में तब्दील हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उस सारे मामलात से वो बिल्कुल फारिग हो जाता है। जो रोजी रोजगार उसका बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा होता है, काम कारोबार उसका बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस नोट के आने की वजह से सब कुछ जाना शुरू हो जाता है, और फिर परेशानी, फिर तंगदस्ती, फिर कारोबार के अंदर परेशानी, फिर कारोबार खत्म होना, फिर रोजी रोजगार खत्म होना, इलम जादू मंत्र के जरिए से सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। पैसे गुम हो जाते हैं, पैसे नहीं मिलते, पैसे जा रखे होते हैं वहां से गायब हो जाते हैं, पैसे जहां पर वो रखते हैं वहां रख कर भूल जाते हैं, पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, पैसे फटना शुरू हो जाते हैं, ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है सिर्फ एक उसी नोट की वजह से, जो नोट आपको किसी शख्स ने दिया होता है, जो नोट किसी शख्स ने आपको पढ़ाई करके जादू करवा के वापस किया होता है। और हम ये जहन में सोच रखे होते हैं कि हमने नेकी की है, चलो यार अगर किसी की भलाई हो गई है 100-50 से तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वही शख्स जिसके साथ आप भलाई कर रहे होते हैं, नेकी कर रहे होते हैं, वही शख्स आपके लिए जो है वो गाढ़ा गोद रहा होता है और उसके अंदर आपको गिराता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी शख्स को भी, कोई शख्स भी आपसे पैसे मांगता है और एक नोट की सूरत में मांगता है या छोटे नोट की सूरत में मांगता है, 1,000, 500, 100, 50, 200 इस तरह के नोटों की सूरत में मांगता है, तो आप कतई तौर पर उसको पैसे ना दें, कतई तौर पर उन शख्स, उन लोगों को, उन शख्स को कतई तौर पर आप पैसे ना दें और उनको बिल्कुल साफ मना कर दें, तब आप इस जादू से बच सकते हैं, तब आप इस पैसों पर चलने वाले इल्म से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है और ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।